राजधानी के बरियातों में चोरों ने एक मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों ने भगवान का मुकुट चुरा लिया है, इसके साथ ही मूर्ति को क्षतिग्रस्त भी किया है। चोरी की घटना से लोगों में आक्रोश है, लोगों ने सड़क जाम कर दिया है। वहीं चोरी की खबर मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंच गई और जांच में जुट गई है। दो राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं, जो टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, वो भारत की तरक्की को नहीं देख सकते, भारत की तरक्की को नहीं पचा सकते। प्रभु श्री राम के मंदिर का लोकार्पण हो रहा है, कहीं ना कहीं असामाजिक तत्व, देश विरोधी तत्वों को पेट में मरोड़ हो रही है, दर्द हो रहा है, और उनका यह चाह है किसी तरह कानून व्यवस्था को बिगाड़ो। लेकिन हम सब आश्वस्त हैं, किसी प्रकार की कानून व्यवस्था खराब नहीं होगी। हम सब शांति प्रिय सहिष्णु लोग हैं, किंतु हमारी धार्मिक भावना पे अगर आहत होगा, आक्रमण होगा, क्या करेंगे बताओ, क्या करेंगे? देखिए, जहाँ तक मुझे जानकारी प्राप्त हुई है कि यहाँ पर कोई चोरी नहीं हुई है, चोरी नहीं हुई है, तिजोरी सुरक्षित है। तो चोर यदि होता तो तिजोरी लेकर जाता, लेकिन ये इस प्रकार के वातावरण में मंदिर को, मूर्तियों को तोड़ने का काम किया है, तो ऐसे लोग हो सकते हैं जो अधार्मिक हों। मूर्तियों को, हनुमान जी की मूर्ति खंडित की गई है, शिव जी की मूर्ति खंडित है, दुर्गा माँ की मूर्ति भी खंडित की गई है, और मुकुट चोरी किया गया है, उसके साथ साथ मंदिर खंडित किया गया है। नहीं, अभी वो सब कुछ जानकारी नहीं था। हाँ, मूर्ति की जो मुकुट होते हैं वो चुराया गया है, वो उसको चुराने का प्रयास किया गया है, उसके बारे में भी खास जानकारी नहीं है। हाँ, जांच चल रही है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।